नमस्कार दोस्तों, नागिन सीजन 6 के आने वाले एपिसोड में जहां प्रथा और महक पर एक बार फिर से असुर करने जा रहे हैं भयंकर वार, जहां पर प्रथा एक बार फिर से अपना नागिन रूप लेंगी, लेकिन वहां पर एंट्री होती है ऋषभ की। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रथा इस समय अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए पीछे बिल्कुल नहीं हट रही हैं, और इस समय वो जो कि भयंकर रूप लेती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय प्रथा का जो भयंकर रूप चल रहा है वो वाकई में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा जो कि उन पर भारी पड़ने जा रहा है, जितने भी असुर हैं, क्योंकि असुरों को अभी प्रथा का जो कि भयंकर रूप पता नहीं है कि वो कितना गंदा रूप खेल सकती हैं। क्योंकि प्रथा का हमेशा से ही देखा गया है कि प्रथा एक ऐसे रूप दिखाया उन्होंने कि जो हमेशा से ही काफ़ी पावरफुल रहा है, क्योंकि प्रथा एक विशेष नागिन है और विशेष नागिन के हाथ में जितना भी अधिकार होता है वो सभी अधिकार इस समय प्रथा यूज करती हुई नजर आने वाली है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को कुछ अन्य अपडेट से भी रूबरू करवाने जा रहा हूँ आने वाले एपिसोड में, जहाँ आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्रथा अपना एक भयंकर रूप लेगी, जिस रूप में आप लोग देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं प्रथा उन असुरों पर भारी पड़ने जा रही हैं, क्योंकि वो असुर इस तरीका से हैं कि प्रथा को हराने के लिए वो किसी भी तरीका से साजिश का सामना कर रहे हैं। इधर ऋषभ को पता चल जाएगा कि प्रथा कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है, और जब चाहें कुछ भी कर सकती हैं, और तो वैसा ही होने जा रहा है दोस्तों आने वाले एपिसोड में, जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्रथा ने एक नया रूप रचा है, और नया रूप भी बहुत ही भयंकर रूप रचा है। उसमें आप लोग देख पाएंगे कि प्रथा ने पहले भी बताया था कि उन्हें मत जगाइए, अगर वो विशेष रूप में जागी तो अच्छा रूप वो वाकई में सबको मिला देंगी। और लोग भी जानते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने रूप में आने के लिए प्रथा ने शुरू से ही अपनी जर्नी को एक नया रूप दिया है। आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि प्रथा कुछ असुरों का जो कि खात्मा करने जा रही हैं, आप लोगों को अक्सर देखा होगा कि प्रथा विशेष नागिनों में से एक गिनी जाती हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए।